तो जनाब कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे तो जनाब हम सब के घर में से कोई ना कोई ऐसा अफराद होता है जिसके दांतों में दर्द होता है या फिर मसूड़ों से खून आता है तो जनाब वो लोग जाते हैं क्या डेंटिस्ट के पास बहुत ही महंगी महंगी मेडिसिन लेके आते हैं लेकिन वक्ती तौर पर तो आराम आ जाता है लेकिन दोबारा से वो दर्द शुरू हो जाता है तो आज मैं आपके साथ एक ऐसी इफेक्टिव रेमेडी शेयर करूंगी जिसे अप्लाई करने के बाद आपका दो से तीन मिनट में ही दर्द जो होगा वो खत्म हो जाएगा और चाहे अगर आपके मुंह से स्मेल आती है वो भी ख़त्म हो जाएगी अगर आपके दांतों में से ब्लड आता है तो वो भी रुक जाएगा तो जनाब बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही इंस्टेंट रेमेडी है ये रेमेडी इतनी इफेक्टिव है कि आपको मिनटों में ही आराम आ जाएगा तो जनाब आपने करना क्या वीडियो कम्प्लीट वॉच करना है स्किप बिल्कुल भी नहीं करना प्यारे वायर्स, अगर आपको मेरी थोड़ी सी मैथ पसंद आए तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँच सके और आप लोग मेरी बहुत ज़्यादा सी टिप्स और ट्रिक्स से भरपूर फ़ायदा उठा सकें तो चलते हैं जनाब वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो जनाब दांतों के दर्द के लिए यहाँ पर अगर आपके दांतों में से ब्लड आता है तो इसके लिए फिटकरी जो होती है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है तो जनाब यहाँ पे मैंने लिए फिटकरी फिटकरी जो होती है इस तरह की क्रिस्टल की फॉर्म में आती है तो ये आपको किसी भी ग्रोसरी स्टोर से इजीली मिल जाएगी बहुत ही सस्ती मिलती है और ये इतनी ज़्यादा इफेक्टिव होती है कि एक से दो बार के इस्तेमाल से ही आपको बहुत ज़्यादा आराम आ जाएगा और दोबारा आपको ऐसे इस इस्तेमाल करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी तो जनाब आपने करना क्या हाफ ग्लास लेना है वाटर जी हाँ यहाँ पर ज्यादा पानी लेना है उसके अंदर आपने छोटा सा टुकड़ा या फिटरी का इसमें ऐड कर देना है फिटकेगा आपने इतना सा सारी टुकड़ा लेना है और पानी के अंदर डाल के आपने इसे पाँच से सात मिनट के लिए रख देना है और दूसरी चीज़ हमारे पास यहाँ पर सरसों का तेल सरसों का तेल जो होगा आपके मसूरों की जो स्वेलिंग होती है उसे भी खत्म करेगा और साथ साथ अगर आपके मुँह से स्मेल आती है उसे भी खत्म करेगा अक्सर आपने सुना होगा कि कान में दर्द होता है तब भी हम लोग सरसों के तेल का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि सरसों का तेल जो होता है वह बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है और बहुत जल्द आपको आराम दे देता है तो जनाब ना अब यहाँ पर हम सरसों के तेल का भी इस्तेमाल करेंगे इस रेमेडी में तो जनाब अभी आपने करना क्या है सबसे पहले तवे को आपने इस तरीके से गर्म कर लेना है गर्म करने के बाद छोटा सा टुकड़ा फिटकरी के डाल देना है तवे के ऊपर और इससे आपने इस तवे के ऊपर इस तरीके से पिघला लेना है अगर आपके मसूड़ों में दर्द होता है या फिर मसूड़ों में कीड़ा लग चुका है तो यकीन माने कि इस फिटकरी को इस्तेमाल करने से आपका आगे कभी भी कीड़ा नहीं लगेगा जो लग गया है वहीं पर आपके कीड़ा जो है वो स्टॉप हो जाएगा और अगर आपके दांतों में दर्द होता है या फिर मुंह से ब्लडिंग होती है जब भी आप ब्रश करते हैं आपके दांतों में से खून निकलता है तो यकीन माने इस मेरे से आपको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा और आपके मुँह की जो ब्लडिंग है वो भी रुक जाएगी तो जनाब आपने करना कि इस एक टुकड़े को इसी तवे के ऊपर इस तरीके से मेल्ट कर लेने है आपने करना कि इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाना है जिस तरह से आप इसे हिलाते जाएँगे कि मैंने कहा ये मेल्ट हो जाएगा आपने इसके अंदर पानी का इस्तेमाल तो बिल्कुल भी नहीं करना खुद को खुद ही पिघल जाएगी बिल्कुल पानी का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है तो जब आप लोग तवे के ऊपर फिटकरी को इस तरीके से पिघला लेंगे तो उसके बाद आपने करना क्या तवे को तो देना पाँच मिनट के एक पंखे के नीचे ताकि वो तरीके से ठंडा हो जाए ठंडा करने के बाद देख सकते हैं कितनी आसानी के साथ जो फिटकरी है चिपकी हुई अलग हो जाएगी तो अभी आपने करना क्या है इसका बहुत ही बारीक सा पाउडर बना लेना है तवे के ऊपर ही आप चम्मच के साथ ही बना लें या फिर आप इसे किसी इमाम दस्ते में भी डाल के इसका पाउडर बना सकते हैं जिस तनाव आपको आसानी लगती है आप वैसे कर लें तो मैं चम्मच के साथ इसका पाउडर बना लूँगी बहुत ही आसानी के साथ बन जाएगा बिल्कुल फाइन सा पाउडर बनके तैयार है और ये इतना ज़्यादा इफेक्टिव है एक से दो बार के इस्तेमाल से ही आपके दांतों का दर्द होगा या फिर ब्लडिंग आती होगी और सबके सब, सब प्रॉब्लम्स जो होंगे वो सॉल्व हो जाएंगे तो जनाब इस तरीके से आपने इसका पाउडर बना लेना है और सेकेंड चीज़ आपने इसके अंदर ऐड करनी है सरसों का तेल हाफ टेबल स्पून इसे इस तरीके से सबसे पहले मिक्स कर लेंगे और अगर आपको लगता है कि सरसों का तेल इसके अंदर कम है तो थोड़ा सा आप इसमें और ऐड कर दीजिएगा बहुत ज़्यादा सा आपने इसका क्या नाम है पेस्ट बना लेना तो जनाब अभी आपने करना क्या है इस पेस्ट को ब्रश के ऊपर लगा के ब्रश कर लेना है जनाब जिसे आप ब्रश कर लेंगे तो आपको बहुत सुकून मिलेगा तो आपने भी रेमेडी को ट्राई ज़रूर करना है और सेकेंड चीज़ आपने जनाब करना क्या है जिसके इसके अंदर आपने डाल के रखी थी फिटकरी जो फिटकरी जो है अपना देख सकते हैं कि फिटकरी ऐसे पानी का जो कलर है वो चेंज हो गया तो अभी आपने करना कि जिसमें बची हुई फिटकरी इसे निकाल के सेपरेट कर लेना है और दोबारा से आप उस फिटकरी को इस्तेमाल भी कर सकते हैं तो जनाब आपने करना क्या है इस पानी से कुली करनी है कुली कर लेंगे तो आपने इसे बिल्कुल निगलना नहीं है पीना नहीं है सिर्फ़ और सिर्फ कुली करनी है और आपके दांतों का जो दर्द होगा और जो स्मेल आती है वो भी ख़त्म हो जाएगी और जनाब आपने करना क्या है और अगर आपके देखते तो में बहुत ज़्यादा शदीद किस्म का दर्द है और बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हुई हुई है कि आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है तो आप चाहे सरसों के तेल की भी गुल्ली कर सकते हैं तो जना आप उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी अगर आपको अच्छी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें शेयर कर दें और खूबसूरत सा कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा तो चलते हैं जना आप लौट कर कराऊँगी इस तरह की बहुत ही अमेजिंग वीडियो के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टेक केयर